धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक, एक तिहाई शिकायतें लंबित रहीं जबकि महज दो तिहाई शिकायतों का निपटारा हुआ। वहीं उस समय हंगामा मच गया जब बैठक में एक फरियादी बलजीत सिंह अपनी हैंडीकैप पुत्रवधू से हरियाणा शहरी विकास प्राधिकरण अधिकारियों की प्रताड़ना और कार्यप्रणाली से दुखी होकर फूट फूट कर रोना शुरू कर दिया। तब यहाँ तक मंत्री महोदया भी स्तब्ध हो गए। मीटिंग उपरांत मंत्री कमलेश डांडा बोली, सरकार की कोरोना को लेकर तैयारियां पूरी, यदि कोरोना आएगा तो पहले से अच्छे से निपटेंगे। मीटिंग उपरांत मंत्री कमलेश डांडा ने बताया कि आज बैठक में 15 शिकायतें रखी गई जिनमें 10 का मौके पर निपटारा कर दिया, बाकी 5 को लंबित रखा। करने के लिए आपको क्षेत्र आई है, कितनी शिकायतों का समाधान मैम आपने किया? देखिए, आज जिला कुरुक्षेत्र की जो जिला कष्ट निवारण समिति की बैठक थी उसमें मेरे पास 15 एजेंडे आए थे, 15 शिकायतें थी जिसमें से 10 फाइल होगी और 5 पेंडिंग है। तो 5 जो शिकायतें वो अगली मीटिंग के लिए रख दी, तो उसमें अगली में उसको करने का काम करेंगे। बिल्कुल आपके सामने ही बात हुई है, उस पर हम लोग को बोल दिया अधिकारियों को भी, जिनके एप्लीकेशन लिख के दो, जिनका जायज बनता है उस पर कार्रवाई करेंगे और उनको बिल्कुल न्याय मिलेगा। और हर एक आदमी को जो उनका जो उनकी शिकायत है, कोई काम है जिससे भी अधिकारी के संबंधित है, उस पर आदेश निर्देश दिए, उसको पूरा करने का काम करेंगे। मैम कोरोना भी बढ़ने लगा, देखिए हमारी सरकार की पूरी तैयारियाँ हैं। कोरोना पीछे भी आया, उस टाइम भी हमारी सरकार ने, हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने खुद जाकर हर एक डिस्ट्रिक्ट में जायजा लिया और हमारे हेल्थ की तरफ से पूरी सरकार की तरफ से पूरी तैयारियां, अगर कोरोना आएगा तो उसके लिए तैयार, उसको निपटने के लिए तैयार हैं और उसमें बिल्कुल हम मतलब तैयारी के रूप में काम कर रहे हैं। मैडम पानीपत में गुरु गुरु मनाया जा रहा है राजस्व, इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? देखिए तेग बहादुर जी का जो हमारा 40वां प्रकाश उत्सव है उसको लेकर हमारा हरियाणा प्रदेश में बहुत से उत्साह है। एक त्यौहार के रूप में हम उसको सभी मिलकर मनाएंगे और ये एक राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत ही बड़ा कार्यक्रम होगा और उसमें हम सभी सरकार की तरफ से भी और पार्टी की तरफ से भी उसमें लगे हैं और एक अच्छा कार्यक्रम करने का काम करेंगे।